Assalamu alaikum. Thank you for calling Cantonment Board Clifton. How may I help you? एक म्यूनसिपल हुकूमत के या म्यूनसिपल गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो बेसिकली कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन परफॉर्म करता है। जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विरसे में मिलता है समझ लें डेवलपर से, जिसमें सूरज का निज़ाम है, पानी की लाइनों का निज़ाम है, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, सफाई सुथराई वेस्ट कलेक्शन का निज़ाम है, बीमारियों के खिलाफ स्प्रे का निज़ाम है, जितने हमारे इलाके में रेस्टोरेंट्स या होटल्स हैं उसका हाइजीन देखना, ये भी कैंटोनमेंट बोर्ड के कामों में आता है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन अपने रेजिडेंट्स को एक फुल प्रूफ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग कम्पैक्टर से करते हैं। ग्रीन वेस्ट यहाँ पे होता है वो हम ट्रॉली से जो है उसको पिकअप करते हैं। प्लॉट लेवलिंग के बाद हम लोगों की मैकेनिकल स्वीपर्स जो हैं वो काम करते हैं, जो मेन रोड्स को, इनर रोड्स को, कमर्शियल एरियाज को कवर करके उसकी स्वीपिंग करते हैं। एज अ रेजिडेंट कुछ चीज़ें हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर मैं अपने ही घर का कूड़ा निकालूं और लिखा हुआ यूज में एक बड़ा सा डब्बा सीबीसी अगर रखी गया है मेरे घर के सामने किसी भी खाली प्लॉट पे, और मैं उसका कूड़ा जो है घर के उस डब्बे के बाहर रख दूंगी, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं मैं अपने दीन के साथ और अपने साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन मॉडर्न टेक्निक्स के साथ मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कर रहा है, जो जैसे कि हमारी मशीनरी जो है मैकेनिकल टूल्स के साथ हम लोग काम करते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जो है वो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, जो कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर शो है, उसका वो चैम्पियन भी है इस साल। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जहाँ पे DHA और ब्लॉक 8-9 के लिए हम लोग CBC के एरिया के लिए हम लोग जो पार्क बनाए हुए हैं, उसके अलावा कच्ची आबादी के हमारे पास 6 पार्क हैं और 6 पार्क बहुत अच्छे मेंटेन हो रहे हैं, जिसमें से एक पार्क अभी हम लोगों ने डेवलप किया है PNT कॉलोनी में, जिसका नाम जावेद मियादाद पार्क है। पिछले 6 साल से वाटर बोर्ड के साथ तमाम मीटिंग्स जिसमें उन्होंने बहुत से वादे किए लेकिन पानी हमें उन्होंने नहीं मुहैया किया। तो अभी भी हमारा जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 11 MGD का है, और ये जो लोगों कंज्यूमर को हमारा जो सप्लाई गैप है ये भी बेस उसी चीज़ पे करता है, क्योंकि जब बल्क से हमें पानी कम मिलता है तो हम कम सब जोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं पानी। अभी एक RO प्लांट हमने ऐड किया है 50,000 gallon पर डे का, ये एक एनहांसमेंट है, एक स्टार्ट है कि हम DHA में पानी को यहीं पर जनरेट करने की कोशिश करें और कोई हमारा हैंडीकैप ये ना रहे कि हम पानी को कहीं से लाते हैं या हम किसी से लेते हैं। हमने ये प्लान किया है कि कम से कम 4 रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स, जो डिपेंडिंग के पानी किस TDS का अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में मिल जाएगा बोरिंग करके, पानी के मसले के लिए हम लोगों ने एक ऐप डिज़ाइन करवाई है जो कि 1 महीने में फंक्शनल हो जाएगी और लोग घर बैठे उसको अप्लाई कर सकते हैं बोजर्स के लिए, और घर से बैठे बैठे ही उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। शहर के हवाले से देखते हैं तो मेरे ख्याल से आई ऑलवेज प्रेफर, और मैंने हमेशा ही बाहर के लोगों को भी, दोस्तों को भी रिकमेंड किया है कि लिविंग वाइज जो है एक तो पीसफुल प्लस सेफ्टी के हवाले से, और ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो आप इन्वेस्ट करते हैं या जो लगाते हैं, आपको पता है कि इसकी दिन ब दिन मैच्योरनेस में बेहतरी आती रहती है।